तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जगदीश राज एग्ज़ाम क्रैकर। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है, आज हमने सुबह ही मैंने किया था स्टार्ट जी ट्रिग्नोमेट्री, ये सेकंड लेक्चर हुआ मेरा आज के दिन का, ठीक है ना। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड जो भी हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो बेसिकली हम यहाँ पे जो इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम अलजेबरा वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, अलजेबरा वाला, ठीक है ना। अलजेबरा आप में से जिन लोगों ने किया है तो वेल एंड गुड, तो उनको पता होगा हम एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं, इन्फिनिटी फॉर्म हम नहीं बनने देते, तो उससे हम सारी वैल्यू निकालते हैं। सेम फंडा है, यहाँ पे क्या होगा, हम थीटा को लेट करेंगे, ठीक है ना। थीटा को हम एंगल के अकॉर्डिंग लेट करेंगे और उससे हम इसको निकालने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, आपको पता है ना जे वाला कि 1/0 क्या होता है, रहता है इन्फिनिटी। इसका मतलब हमने इन्फिनिटी नहीं लेना है, सिंपल जो हमारे पास वैल्यू रहती है वो 45 डिग्री की रहती है, इजी, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम केसेस में क्या है, इसकी वैल्यू जो होती है जो 1 या फिर 1/√2, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू रहती है, तो या तो हम 0 लेंगे वैल्यू या तो 45 लेंगे। चलो छोड़ो इसको, पहले हम क्वेश्चन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला जो आपका काम है, ऑप्शन देखो, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, जो इस पे जो विकल्प हमें जो दिए गए हैं उनको हमने देखना बहुत ज़रूरी है, तभी मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो 2 1/2, 1/4 और 1, क्या ये डिफरेंट है ना, ऑप्शन डिफरेंट है। ओके, इसका मतलब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो जी मेरे पास आंसर आएगा ना, तो मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैं लेट कर देता हूँ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री क्या है मेरे पास, सिंपल सी एक वैल्यू है। 2 मिनट वेट करना दोस्तों, मैसेज आ रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। तो मैं इसकी 45 वैल्यू पुट करता हूँ, तो करो पुट इसमें 1/1 टैन स्क्वायर है ना, टैन 45 कितना होता है, 1 होता है ना, टैन 45 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। तो क्या आएगा मेरे पास, ये 1/1 1/1 इक्वल टू 2 2, तो जे मेरे पास इसका आंसर होगा, ठीक है ना। सिंपल था ना ये, आज तो कैमरा भी ये हिल रहा है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मुझे तो वैल्यू तो इसकी मुझे निकालनी है ना। वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। लेकिन जहाँ पे एक ध्यान दीजिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो जहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है वहाँ देखो, अगर मैं थीटा को 45 डिग्री लेता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं थीटा को 45 लेता हूँ, थीटा को क्या लेता हूँ, 45 डिग्री लेता हूँ, तो ऑप्शन देखो, कोसेक है ना, कोसेक है ना, ये कोसेक 45 कितना बनेगा मेरे पास, कोसेक 45 √2 बनेगा ना, तो टैन 45 क्या होगा मेरा, 1 होगा ना, है ना, 1, हाँ टैन 45 क्या होगा मेरे पास, 1 ही होगा ना, ये तो 1 ही रहेगा। और काट ये 45 जो है मेरे, 2 मिनट रुकना, वैल्यू मैंने गलत तो नहीं ले ली, हाँ कोसेक ठीक है, बराबर है, हाँ। तो कॉट थीटा कितने, कॉट 45 कितना होगा, 1। तो यहाँ देखो ऑप्शन क्या आ रहे हैं मेरे पास, देखो जी मेरे पास सेम आ गए ना, तो मुझे ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आपका आंसर 1 आया है ना, आपका आंसर 1 आ रहा है, तो आप टैन थीटा को लगाओगे या 1 को लगाओगे या कॉट थीटा को लगाओगे, तो आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे। तो इसका मतलब हम थीटा 45 यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। अब मैं थीटा को क्या करता हूँ, 0 भी मैं पुट नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा ना। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तब भी जहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा ना, जैसे साइन 0 क्या होता है, 0 जाएगा ना, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इसको हम 0 नहीं लेंगे, तो सिंपल जो हम इसमें जो लेंगे वो क्या होगा, हम थीटा को क्या लेते हैं, लेट करते हैं थीटा को, चलो मैं लेता हूँ थीटा को क्या 30 डिग्री लेता हूँ, है ना। तो देखो फिर ऑप्शन क्या बनेंगे, कोसेक है ना, कोसेक 30 डिग्री कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री, हाँ बराबर, कोसेक 30 डिग्री जब हम लेंगे तो मेरे पास ऑप्शन क्या आता है, वो आप लोग चेक करके देख लीजिए। तो देखो कोसेक 30 डिग्री क्या होता है, 2 है ना, और टैन 30 डिग्री,
टैन जो 30 डिग्री है वो मेरे पास रहता है 1/√3, है ना, और 1 का 1 ही रहेगा, और कॉट थीटा क्या रहेगा, कॉट 30, कॉट 30 क्या रहता है मेरे पास, √3, है ना, कॉट √3। तो देखो ऑप्शन क्या आया, डिफरेंट है ना, तो इसका मतलब 30 डिग्री यहाँ पुट करेंगे, कर दो पुट आप, कुसेक ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 30 डिग्री माइनस भाई लोगों मैसेज मत करो, तो माइनस 1/sin(30°), तो कर दो इसको अब सॉल्व, 1/ तो 1/ कोसेक 30। अब देखो कोसेक 30 डिग्री की मैंने वैल्यू जहाँ पर लिखी थी वो क्या होती है, कोसेक 30 की 2 माइनस कॉट, जो कॉट 30 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, इसकी वैल्यू होती है √3, ठीक है ना, माइनस 1/sin(30) क्या रहता है मेरे पास, साइन 30 तो ईजी है ना, साइन 30 रहता है मेरे पास जैसे 1/2 ही रहता है ना, है ना, तो कर दो इसको अब सॉल्व आप लोग, क्या आएगा ये, इसको मैं कर लेता हूँ रैशनलाइज कर लेता हूँ, मैं इसको कर दूँ 1/2 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाई 2+√3, रैशनलाइज करना तो आता होगा आप लोगों को, 2+√3 माइनस ये क्या होगा 1/1 मल्टीप्लाई बाई 2/1, ठीक है, ऐसे रहता है ना जी, मैंने जो चेंज करना भी आपको बता दिया, तो कर दो इसको सॉल्व आप लोग, तो क्या आएगा मेरे पास ये 2+√3/, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको पता होगा -2, तो कर दो इसको सॉल्व, क्या आएगा ये 2+√3/4 -3, है ना, -2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा ये 2+√3 -1, जी और जी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा √3, तो मेरे पास आंसर क्या आया √3, मतलब कि जे वाला मेरे पास आंसर आएगा, क्या आया मेरे पास, जे वाला आंसर आया। देखो अलजेब्रा वाला कंसेप्ट हम लोग जहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अगला देखते हैं, दो मिनट थर्ड क्वेश्चन देखिए, आया था ना, और टेन 30 डिग्री क्या आया था मेरे पास, 1/√3 आया था, और कॉट 30 डिग्री क्या आया था मेरे पास, √3, ठीक है ना, तो अब मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये भी देखो मैं सिंपल कहता हूँ, 1/2 आएगा ना साइन 30 -2 मल्टीप्लाई 1/2 होता है ना उसको क्यू 8 हो जाएगा, ठीक है ना, अब मैं 2 मल्टीप्लाई बाई ये क्या होता है √3/2 का होल क्यूब होगा ना ये, माइनस कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो कर दो इसको बस सॉल्व आप लोग, तो 1/2 माइनस 1/4/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 = 4/3, है ना 8 हो जाएगा ना ये, सॉरी ये 3 का क्यूब बनेगा ना ये, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मेरे पास 3√3 आएगा, ठीक है, तो माइनस √3/2, इसको अब आप सॉल्व कर, तो कर दो इसको अब सॉल्व आप लोग, 2 4 = 8, तो मेरे पास आएगा 1/2 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 3√3/4 माइनस √3/2, इसको मैं एलसीएम लूँगा जब, तो इसको पहले से काट लूँ, तो 2 मतलब 2 करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो मेरे पास आएगा ये 2 - 1/4 येगा ना, ऐसे कर दो फिर आप इसको, तो जहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से, है ना, एलसीएम ले लिया मैंने, तो 4 √3 आ जाएगा यहाँ पे -2√3 येगा ना, तो मेरे पास आया 1/4 है ना, 3√3 में से 2√3 निकलना, तो क्या आएगा मेरे पास ये √3/4, जी और जी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा 1/√3, तो मेरे पास आंसर आएगा टेन 30 डिग्री, ठीक है जी, बड़े बड़ा मेरे पास क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी 14 मिनट की वीडियो हुई है,
तो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा चाहे गलती हो। तीसरा क्वेश्चन आ गया क्या वही? अच्छा ठीक है चलो, अभी आ गई फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पे ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन क्या है यहाँ पे, डिफरेंट ऑप्शन है ना, तो मुझे पता है मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। चलो सिंपल वैल्यू क्या है, थीटा को 45, मैं थीटा को 45 डालता हूँ, तो 1 + 1 ये क्या होता है, कॉस, कॉस 45 डिग्री क्या होता है, कॉस 45 डिग्री क्या होता है, नहीं सॉरी कोसेक 45 डिग्री क्या होता है, √2 होता है ना। ठीक है, क्या होता है, √2 होता है, कोसेक जो 45 डिग्री होता है वो √2 होता है। ठीक है, 1 + tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 + अब देखो tan जो ये क्या होता है, √2 होता है ना, ये भी हाँ √2 ही होता है। कर दो इसको सॉल्व अब आप लोग, क्या बनेगा मेरे पास, 2 - √2 और जी क्या बनेगा, 2 + √2। ये आपको पता है कि a चाहे a प्लस बी लिखो या फिर a माइनस बी लिखो, इसका फार्मूला रहता है मेरे पास a² - b² नहीं काम नहीं कर रहे हैं, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b a - b, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 का स्क्वेयर - √2 का स्क्वेयर, तो 4 - 2 तो 2 आंसर आया मेरे पास। तो क्या आया मेरे पास आंसर, 2। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, वीडियो नहीं बन रही है अच्छी, कैमरा ही फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो बहुत ही ये बोलूँ तो खास क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके रिलेटेड हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, sin θ - cos θ = 7.3 की, ये मुझे वैल्यू दी हुई है, मुझे निकालना है ये वाला। सबसे पहले देखो इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। देखो मुझे उसने दिया क्या है, मुझे उसने मुझे जो दिया है वो क्या दिया है, मुझे sin θ - cos θ = 7.13, और निकालना क्या है मुझे इसने, sin θ + cos θ मुझे निकालना है। देखो इसको कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले पता क्या करो ना आप लोग, देखो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है ना, आपने इसमें तो पॉजिटिव मतलब कि माइनस में दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग क्या करो, आपको ये तो पता है ना sin²θ + cos²θ = 1, यही आइडेंटिटी हम जहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, और ये वाला क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पता क्या करो ना आप लोग, इसको स्क्वेयर कर दो, किसको, इसको कर दो स्क्वेयर। ठीक है, कर दो स्क्वेयर इस वाली इक्वेशन को, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, इसको बोल रहा हूँ मैं, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड कर दो, बताता हूँ मैंने ये क्यों कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, है ना, a - b² क्या होता है, sin²θ, ठीक है ना, +cos²θ - 2ab होता है ना, 2 a क्या है मेरे पास sin θ और b क्या है मेरे पास cos θ, तो ये क्या बन जाएगा 49/169 बन जाएगा ना, है ना। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया, ये मेरे पास देखो इसकी वैल्यू मेरे पास है ना 1, ये क्या है, देखो तभी मैंने ये लगाया है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं इसमें इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा कि मेरे पास ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो 1 - 2 sin θ cos θ = क्या होता है 49/169, आप इसको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, sin θ cos θ = 1 - 49/169, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 sin θ है ना, cos θ किसके बराबर आएगा मेरे पास, = 120/169। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे निकालना क्या है, क्या निकालना है मुझे, जी वाला। अब इसको देखो, इस वाली इक्वेशन को देखो, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं इसको भी स्क्वेयर, इसको मैं स्क्वेयर कर देता हूँ, ठीक है, स्क्वेयर इसको मैं स्क्वेयर कर लेता हूँ, और मैंने जहाँ स्क्वेयर किया तो आप जहाँ भी स्क्वेयर कर दो, तो क्या बनेगा मेरे पास फाइनली, sin²θ + cos²θ है ना, +2 sin cos लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूँ, तो फिर
कर दो अब, अभी आपके पास देखो आपके पास है क्या, ठीक है बराबर है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा आपने इसको स्क्वायर किया ना, ठीक है ना, इसको स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 120/169 है ना, ठीक है ना, इक्वल टू जहाँ पे समझ लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, क्योंकि मतलब इसका स्क्वायर कर लूँ मैं, तो मेरे पास क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे इसको 1 + 120 आपके पास आएगा 289/169। तो मुझे निकालनी क्या है, ए प्लस बी की होल मतलब कि ए सिर्फ मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्चुअली मुझे वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर को मैंने उस साइड ले लिया तो जी ऐसे बनेगा 289/169। ये तो ईजी है ना, मैंने आपको एक मैंने वीडियो बनाई है, आप वो चेक कर लो, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, वो चेक कर लो आप, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 17 आएगा और अपॉन 13 जी मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू जी मेरे पास वैल्यू इसकी आएगी, क्योंकि 17 का ये 289 आता है और 169 13 का आता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।